गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन इन्फ्लुएंसर अकाउंट अगर आपने बना लिया है तो किस प्रकार से आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नेम चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। उन इन्फ्लुएंसर वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अकाउंट बनाना बताया है, वो भी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना आप। तो ये URL है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये URL तब मिलता है हमको जब हम यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं सक्सेसफुली इसमें। ठीक है, उसके बाद हमको ये URL की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको जैसे ही क्रोम में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो URL है वो ओपन हो जाएगा और वो जो ये प्रोफाइल है हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमको यहाँ पर जैसे कि देख सकते एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर पर ही दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या है कि नेम चेंज कर सकते हैं। उस समय मैंने अपना जो मेरा नेम है मैंने वही डाल लिया था, तो मैं इसको चेंज कर जो मेरा YouTube चैनल का नेम है वो यहाँ पर मैं डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यूर डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, और बायो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन कुछ भी यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए चेंज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना नेम ही चेंज कर देता हूँ, यूर डिस्प्ले नेम है जो, और यहाँ पर मैं HSB टैग लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं गाइस अगर आप इसमें मान लीजिए फेसबुक का अभी तक आपने अकाउंट लिंक नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं, URL डालना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक का भी इसमें लगे हाथ डाल ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेसबुक अकाउंट पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस प्रकार से लिंक कॉपी करना है आपको। तो यहाँ पर आगे प्रोफाइल पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला एड स्टोरी के नीचे। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूअर प्रोफाइल लिंक दिख रहा है, इसको कॉपी लिंक कर लेना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर वापस आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है नीचे फेसबुक वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, बस इतना काम करना है। और यहाँ पर गाइस एक टिकटॉक का और दिखा रहा है, फिलहाल तो इंडिया में टिकटॉक बैन है जैसे कि हम सबको पता है। तो यहाँ पर अगर आपका पहले यूजर नेम आपको याद है तो वो डाल सकते हैं, तो मेरा यही यूजर नेम है HSB टैग के नाम से, मैं डाल देता हूँ। इसमें होना जाना तो इसको कुछ है नहीं, फिर भी डाल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं ज़्यादातर सेम ही रखता हूँ यूजर नेम, जिससे कि यूजर को आसानी होती है, पता चल जाता है कि ये वही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने कर लिया है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं चेंज हो चुका है मेरा नेम, यहाँ पर HSB टैग नेम आ चुका है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके आंखों के सामने यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डलवाना हो तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, और आप जैसे मेरे लिंक से जाएंगे तो वहाँ से व्यू, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख जाएंगे उन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, एड कार्ट में क्लिक करके डायरेक्टली अमेजोन में ये ओपन होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको बता देना अगर कोई प्रोडक्ट डलवाना हो तो मैं डाल दूंगा, कमेंट में बता देना, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में सब हर जगह मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी अमेजोन का इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाना चाहते हैं किस प्रकार से बनेगा, इससे पहले आपको एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपको अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट बनाना नहीं आता है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं आसानी से किस प्रकार से एफिलिएट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये वाला अकाउंट बना पाएंगे। तो गाइस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।